प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में भारतीय मोबाइल कांग्रेस की सातमी बैठक रो कर शुभारंभ। मध्य प्रदेश रासतना में श्री सदगुरु सेवा संघ ट्रस्ट कार्यक्रम में करी शिरकत, संतानों दीनो आशीर्वाद। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत करी पांच नवी गारंटियां की घोषणा, कहो राजस्थान में कांग्रेस फेरू सत्ता में आई तो लियावाला ओपीएस गारंटी कानून। भाजपा साध्यो सीएम री पांच नवी गारंटियां की घोषणा माते निशाणो, केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी ओपीएस रा नाम माते जनता ने गुमराह करबारो मांड्यो आरोप। मतदान रे सारू मतदाताओं ने जागरूक करवा खातर प्रदेशभर में चलायो जा रो है अभियान, गंगापुर में उच्च स्तरीय बैठक तो उदयपुर में बनाएगी मानव श्रृंखला। अरकोटा में आरपीएफ री बड़ी कार्रवाई, निजामुद्दीन मुंबई तेजस राजधानी एक्सप्रेस नु 6,61,00,000 रो सोनू और 26,00,000 री नकदी बरामद, धौलपुर और लाडनू में भी नाकाबंदी रे दौरान वाहनों से बरामद करेगी नकदी। नमस्कार, सिंजा 5 बजे री राजस्थानी खबरों में आपरो घणो घणो स्वागत, मैं हूं अशोक व्यास, सौरभ खबरां विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली रा भारत मंडप में भारतीय मोबाइल कांग्रेस री सातमी बैठक रो शुभारंभ कर्या। कार्यक्रम रे दौरान वणा देश भर में शिक्षण संस्थाना ने 100 5G यूज केस लैब्स दीना। एण पछी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश रा दौरा माथे पुग्या और सतना जिला रा चित्रकूट में श्री सदगुरु सेवा संघ ट्रस्ट रा कार्यक्रम में शिरकत करी। संस्कृत केवल परंपराओं की भाषा नहीं है, ये हमारी प्रगति और पहचान की भाषा भी है। बीते 9 वर्षों में हमने संस्कृत के प्रसार के लिए व्यापक प्रयास किए हैं। आधुनिक संदर्भ में अष्टाध्यायी भाष्य जैसे ग्रंथ इन प्रयासों को सफल बनाने में बड़ी भूमिका निभाएंगे। मेरे परिवारजनों, राम भद्राचार्य जी हमारे देश के ऐसे संत हैं जिनके अकेले ज्ञान पर दुनिया की कई यूनिवर्सिटीज स्टडी कर सकती है। बचपन से ही भौतिक नेत्र न होने के बावजूद आपके प्रज्ञा चक्षु इतने विकसित हैं कि आपको पूरे वेद वेदांग कंठस्थ है। आप सैकड़ों ग्रंथों की रचना कर चुके हैं। भारतीय ज्ञान और दर्शन में प्रस्थान त्रयी को बड़े बड़े विद्वानों के लिए भी कठिन माना जाता है। जगत गुरु जी उनका भी भाष्य आधुनिक भाषा में लिख चुके हैं। इस तरह का ज्ञान, ऐसी मेधा व्यक्तिगत नहीं होती, ये मेधा पूरे राष्ट्र की धरोहर होती है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज पांच नवी गारंटियां की घोषणा करी है। जयपुर स्थापित कांग्रेस रा वार रूम में रखा गया खबर नवीसारा जलसा में सीएम बतायो कि कांग्रेस राजस्थान में फेरू सत्ता में आवेली तो गोधन गारंटी योजना लागू करी जावेली और साथ ही अंग्रेजी माध्यम रा कॉलेज खोलिया जावेला, सरकारी अंग्रेजी माध्यम स्कूल में लॉटरी की जरूरत नहीं वेली, सबने एडमिशन मिले। अलावा सीएम आपदा राहत बीमा गारंटी दे बारो भी वादो करो, गारंटी कानून ले बारो भी सीएम पशुपालक है उनके लिए अगर गोबर बिकने लग जाएगा, सरकार गोबर खरीदेगी तो वो पशुधन भी आवारा पशु घर में नहीं रहे, सड़कों में नहीं रहेगा, घरों में रहेगा और गोबर काम आएगा, गोबर सरकार खरीदेगी निश्चित रूप से। गोबर खरीदने की गारंटी है, ये गोबर खरीदने की गारंटी है। 2 रुपए किलो गोबर खरीदा जाएगा और जितना गोबर होगा सब खरीदा जाएगा। छाने बंदे तो मारवाड़े में छाने कहते हैं, छाने बनते थे या उपले के द्वारा उपले,
और उपले काम आते थे रसोई के अंदर जलाने के लिए, रसोई बनाने के लिए, वो उस वक्त की परंपरा थी। अब उस गोबर को हम खरीदने जा रहे हैं, गोधन योजना, इसका बायोमास, बायोगैस, नेचुरल फर्टिलाइजर और नेचुरल पेस्ट, जो मतलब वो भी मैंने कहा उपले वगैरह जो भी है काम आएगा। इंटरेस्टिंग है, बोलो सही, कुछ तो अच्छा आप लोग यार, नई नई योजना ले जा रहा हूँ मैं आपके सामने। प्रदेश भाजपा मुख्यालय में राख्या गया खबर नवीसाना जलसा में केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी गहलोत सरकार की पांच गारंटिया माते सवाल खड़ा कर्या। गोबर खरीद सू लेर अंग्रेजी माध्यम शिक्षण संस्था में सारू जका वादा गहलोत सरकार कर्या है, उन माते चौधरी पलटवार कर्यो। वणा कह्यो के ओपीएस ने लेर गहलोत सरकार जनता ने गुमराह कर रही है। भारत सरकार आज भी जो 1100 रुपए का और 6 रुपए का जो सिलेंडर है उसको नरेंद्र मोदी जी की सरकार पहले से ही जो हमारे उनको 500 रुपए की सब्सिडी दे रही है। अभी आपने देखा होगा पहले ही उज्ज्वला गैस के अंदर उन्होंने कहा कि 200 रुपए तो अभी सब्सिडी माफ किया है, सब्सिडी देने का काम किया है। और अभी भारत सरकार 500 रुपए ऑलरेडी सब्सिडी दे रही है, इसका मतलब 600 रुपए हुआ और 100 रुपए का झुंझुना पकड़ा कर और वो अपनी बात को कहना चाहते हैं। और उसके बाद में जिस तरह से उन्होंने कहा कि उन्होंने ओपीएस की बात करके और जिस तरह से कर्मचारियों के साथ में उस बीच में जो समय हुआ उस समय के अंदर उनको किस तरह से परेशान होना पड़ा, इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो इन्होंने ही कर्म किए और अब वो वापस इस तरह से करके और जनता को और कर्मचारियों को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं, मैं तो कहना चाहता हूं कि अगर ओपीएस को अगर लागू करने का काम किया तो यूपीए की सरकार ने किया था। गंगापुर सिटी जिला मुख्यालय माथे विधानसभा चुनाव की तैयारियां लेर बैठक भी संभागीय आयुक्त और रेंज आईजी आ बैठक लेनी। निष्पक्ष और निर्भीक मतदान और स्वीप गतिविधियां लेर अहलकार साथे बातचीत करी और गाइडलाइन की पालना सारू जरूरी दिशा निर्देश देना। आई जी साहब और मैंने गंगापुर सिटी जिले के जो विधानसभा क्षेत्र हैं उनके संबंध में किस तरह निष्पक्ष निर्भीक और स्वतंत्र मतदान हो उसके लिए फ्लैग मार्च भी किया है। जो हमारे रिटर्निंग ऑफिसर्स और पुलिस जो है अधिकारी गण हैं उनसे भी बात की है, जो क्रिटिकल बूथ है या वल्नरेबल बूथ हैं उनमें किस तरह से वोटिंग परसेंट बढ़ाएँ, जो बैगरेस मतदाता है उनको जो इंडिपेंडेंस रोक रहे हैं उनके खिलाफ विरोधात्मक कार्रवाई करें, इसके अलावा जो स्ट्रीट सीटर हैं उनके खिलाफ 110 की कार्रवाई, बाकी जो आम लाइसेंस है जो जमा हो गई है हथियार वो ठीक है जो रह गए हैं उनको भी जमा कराने की कार्रवाई करें। देखिए पुलिस अपने साथ पैरामिलिट्री फोर्स को लेके सब जगह मुस्तैद है, फ्लैग मार्च हो रहे हैं, नाकाज फंक्शनल हैं FST SST बहुत जगह पे पुलिस फोर्स के साथ और कई कई जगह पे पैरामिलिट्री फोर्स के साथ। सो आदर्श आचार संहिता की पूर्ण रूप से पालना की जा रही है और सब जगह से अच्छी उपलब्धि भी सामने आ रही है। उदयपुर रा भंडारी दर्शक मंडप स्टेडियम में मानव श्रृंखला बनाई गई और साथ ही मतदाता जागरूकता रैली भी काढ़ी गई। स्वीप प्रभारी कीर्ति राठौड़ ICDS महिला कार्यकर्ताओं से मनवार करी के बना बत्तों बत्ता मतदाताओं ने मतदान रे सारू प्रेरित करे। भीलवाड़ा माए बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाता खातर सहज भीलवाड़ा ऐप शुरू करो गयो है। इन ऐप के जरिए लोग घरों से ही वोट डाल सकेला।
राजस्थान मुख्य निर्वाचन अहलकार प्रवीण गुप्ता भी भीलवाड़ा प्रशासन की इन पहल रो स्वागत करियो है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अनुपस्थित मतदाता यानी कि एब्सेंटी वोटर्स कैटेगरी के जो लोग हैं, जो फिजिकल इनफर्मिटीज यानी कि शारीरिक अस्वस्थता के कारण वोटिंग मतदान केंद्र तक आकर के वोट नहीं कर पाते हैं, उनको पर्टिकुलरली दो कैटेगरी में कैटेगराइज किया है। एब्सेंटी वोटर्स ऑफ सीनियर सिटीजन यानी कि जिनकी 80+ से ज़्यादा उम्र है, एंड एब्सेंटी वोटर्स ऑफ PWD कैटेगरी यानी कि जिनकी बेंचमार्क डिसेबिलिटी 40% से प्लस है। एक तीसरी कैटेगरी भी भारत निर्वाचन आयोग द्वारा इजाद की गई है, जो कि कोविड पॉजिटिव या कोविड के लक्षण वाले एब्सेंटी वोटर्स हैं। इन सभी एब्सेंटी वोटर्स को पहले चिन्हित किया गया और चिन्हित करने के उपरांत भीलवाड़ा जिले में जितने भी ऐसे एलिजिबल वोटर्स पाए गए हैं, उनमें से जो लोग फिजिकल इन्फर्मिटीज की वजह से मतदान केंद्र तक नहीं आ सकते हैं, उनके लिए भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशानुसार होम वोटिंग की व्यवस्था की जा रही है। विधानसभा चुनाव खातर युवाओं समेत दूजा लोगों की बत्तों बत्ती मतदान में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने खातर बीकानेर जिला निर्वाचन आयोग और स्वीप रोजिना खास प्रयास कर रही है। मतदाता जागरूकता की इन मुहिम में आम लोग भी 100% मतदान करवा सारू न खाली अपील कर रहा है, बल्कि दूजा लोगों ने भी प्रेरित कर रहा है। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 लोकतंत्र को मजबूत करेगा वोट। वोट मेरा लोकतांत्रिक अधिकार है और मैं दूंगी वोट। युवा हो या बुजुर्ग, सबका वोट है जरूरी। मैं जानता हूँ वोट की ताकत। वोट देकर चुनूंगी मैं अपनी सरकार। मैं भी डालूंगा वोट। ये सब करेंगे मतदान, आप भी 25 नवंबर को वोट डालकर मजबूत लोकतंत्र में दें अपना योगदान। जनादेश 2023। अपने मत का प्रयोग अपने विवेक से करें, उस व्यक्तित्व का करें जिसने सेवा के क्षेत्र में जिसे उम्मीदें की जा सकती है, और चुनाव आयोग के द्वारा 80 साल के उम्र के बड़े लोगों की सुविधा के लिए घर घर से मतदान की जो मुहिम प्रारंभ की गई है, मैं चाहूँगा कि उसका भी सभी लोग लाभ उठाएं। मतदान जरूर करें, 25 नवंबर को मतदान दिवस है, आप मतदान जरूर करें, मैं भी करूँगा और आप भी करें, जो नए जुड़े हैं वो भी करें, और जो पुराने आदमी हैं उनको तो आजकल सरकार ने घर बैठे सुविधा दे रखी है, इसलिए ऐसी सरकार चुन के लाएँ जो गांव में, शहर में, कस्बे में, टाउन में सब जगह विकास करे। 25 नवंबर को मतदान करें, और मेरा भी 5वां-6वां मतदान है। कहने के सबसे अपील करता हूँ किसी के बहकावे में ना आए, ऐसी सरकार चुने जो सबका विकास कर सके, और सबका और विश्वास और सबका प्रयास, ऐसी सरकार चुने जो कहने के जनता के हित में हो। बहुत ही शांतिपूर्ण से और अपना अपमूल्य वोट दें, अपना मत दें, और शहर के विकास के लिए एक अच्छा व्यक्ति चुने जो शहर का, कस्बा, गांव सबका विकास कर सके। सरकार अपनी ऐसी चुन के आए कि जो सबका गांव में, शहरों में सबका काम हो, और कोई भी एक भी मतदान से 18 वर्ष से ऊपर के कोई भी वंचित ना रहे। हर घरों में से बुजुर्ग महिलाओं की घर पे ये सुविधा दी जाएगी कि घर पे आके वोटों का प्रचार होगा और वोट ले लेंगे, और एक एक 18 साल से ऊपर का एक एक बच्चा, एक एक घर से हर कोई भी वंचित ना रहे, सब अपना अपना हाथ जोड़ के मिलती है कि अपना अपना वोट, कीमती वोट जरूर डाले। बीकानेर का विकास के लिए अच्छी सरकार हो, अच्छी सरकार चुने हैं, सभी भाई लोगों के यही निवेदन है, अच्छी सरकार लाए जो काम करे, बीकानेर का विकास करे। सब लोगों को जरूरी है मतदान, अपने घर से बाहर निकल के मतदान करें। आरपीए प्री अपराध खुफिया शाखा एक बड़ी कार्रवाई करता थका निजामुद्दीन मुंबई तेजस राजधानी एक्सप्रेस से 6,61,00,000 रुपया रो सोनू और करीब 26,00,000 रुपया नगद बरामद कराया है। मामला में आरपीएफ 3 यात्रियों ने भी हिरासत में लीनो है, 5 आरपीएफ आ यात्रियों ने कोटा आयकर महकमा रे हवाला कर दीनो।
विधानसभा चुनाव ने देखता तका धौलपुर प्रशासन भी सतर्क नजर आ रही है। इन कड़ी माए पुलिस काने सू नाकाबंदी करेगी। इन नाकाबंदी रे दौरान पुलिस ने एक कार माए सू 6,90,000 रुपया मिलया। पुलिस की पूछताछ माए चालक कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पायो। एड़ा माए इन राशि ने जब्त कर लियो गयो और साथ ही वाहन रा कागजात भी नहीं मिलवा रहे कारण उनने भी जब्त कर लियो गयो। एफएसटी टीम के साथ मैं स्वयं इलाका थाने में था, जिस पर एक व्यक्ति जो अपनी स्विफ्ट कार से जा रहा था उसको रुकवाया गया। उसकी गाड़ी को चेक किया तो उसमें 6,90,000 रुपये छुपा कर रखे हुए थे। उससे उन इतने सारे रुपयों को लेकर परिवहन करने के बारे में पूछा गया तो उसने कोई संतोषप्रद जवाब नहीं दिया, नहीं उन पैसों के बारे में बताया ये पैसे किसके हैं और उनके पैसों के संबंध में कोई भी कागजात उसने नहीं बताए। जिस पर सदर पुलिस द्वारा 102 सीआरपीसी में रुपयों को जब्त किया गया। उच्च अधिकारियों को इसकी सूचना दे दी गई है और गाड़ी को भी सील किया गया। लाडनू माए पुलिस और एफएसटी कार्रवाई करी। नाकाबंदी के दौरान एक गाड़ी से 4,45,000 रुपया नगद बरामद किया गया। वाहन चालक पुलिस ने संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए, इन पीछे ये राशि ने जब्त कर लियो गयो। चुनाव आयोग की गाइडलाइन लागू है और आचार संहिता लागू है। प्रतिदिन कार्रवाई के लिए करंट बालाजी पर लाडनू पुलिस द्वारा नाकाबंदी की जा रही है। आज नाकाबंदी के दौरान एक वाहन की जो चेकिंग की जा रही थी उस दौरान जानकारी मिली कि इसके अंदर निर्धारित जो चुनाव आयोग की गाइडलाइन है उससे अधिक मात्रा में धन है, जिस पर मौके पर एफएसटी टीम को बुलवाया गया। एफएसटी टीम द्वारा मौके पर जांच की गई, तलाशी की गई तो लगभग 4,500,000 रुपये वाहन में पाए गए, जिस पर एफएसटी टीम द्वारा जब्ती की कार्रवाई की जा रही है। भीलवाड़ा रा मालासेरी माए पीएम कानेसू दान पात्र माए डाल्या लिफाफा नलेर कांग्रेस आरोपा ने पछे जयपुर माए एक खबर नविसारो जलसो राख्यो गयो। देवनारायण जन्मस्थली विकास समिति आ खबर नविसारो जलसो बुलायो और मामला ने लेर आपरी बात राखी और स्थिति ने साफ करी। अभी जो लिफाफा प्रकरण का जो आपने हमने सबने जो सुना है उस भ्रम पे मंदिर विपार समिति कभी ये दावा नहीं कर सकती है कि भैया प्रधानमंत्री जी ने लिफाफा डाला है या ये प्रधानमंत्री जी का लिफाफा है। इनके साथ में दान पात्र में जो सार्वजनिक खुला है उसमें और भी कई लिफाफे पत्र प्राप्त होते हैं, वो सबके सामने सार्वजनिक हर वर्ष खोले जाते हैं, वो सबके सामने ही खुला है। एक ही लिफाफे को लेकर के बार बार भ्रम नहीं फैलाया जाए। मैंने गांधी परिवार जो बोला उनसे पूछा है, जब दूसरे के लिए वो बोल रहे हैं कि भाई इतना दान किया तो वो भी तो बताए कहाँ कहाँ किया, कितना दान किया। एक अपन अदरवाइज दान पे नहीं जाते हैं, परंतु जब अपन पूछ रहे थे पहले अपन खुद तो वो कि भाई अपन क्या किया, हमारी राजनीतिक अखाड़ा नहीं बने और मंदिर और देवनाथ भगवान के जो परिसर है उनको छोड़ के आप अपना काम करें। पेपर लीक मामला माए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा माते भी ईडी री कार्रवाई रा विरोध माए सीकर और लक्ष्मणगढ़ माए बाजार बंद रो मिलो जुलियो असर देखवा ने मिलो। इरे चालता जाट बाजार घंटाघर माए कई दुकाना बंद रही, बठई कई दुकानदार इन बंद रो विरोध करो और जबरन बाजार बंद करवा बारो भी आरोप मांडियो। उदयपुर रा भिंडर थाना खेतर माए डोडा चोरा तस्कर पुलिस माते हमलो कर दिनो। डंपर माए सवार तस्कर पुलिस री दो कारा ने टक्कर मार दिनी, जिसु एक कार पलटगी और दूसरी क्षतिग्रस्त वेगी। इन दौरान पुलिस कर्मियों ने हल्की चोटा आई, बठई तस्कर कुछ एक दूर जार डंपर छोड़ फरार वे गया। पुलिस डंपर सू 1100 किलोग्राम सु बत्तो डोडो और चूरो बरामद करो है। उदयपुर चित्तौड़गढ़ नेशनल हाईवे पर नाकाबंदी की जा रही थी। इस दरमियान तकरीबन सुबह 5:30 बजे चित्तौड़गढ़ की तरफ से एक बिना नंबरी डंपर आया, जिस पर जाप्ते और मनेश चौधरी रुकने का प्रयास किया गया। इस पर उक्त डंपर चालक द्वारा बैरिकेड्स को टक्कर मारकर तेज गति से भागने लगा।
संभावना संदिग्ध होने पर उसका पीछा किया गया। प्राइवेट वाहन और सरकारी वाहन से पीछा करने पर उक्त चालक द्वारा उक्त डंपर को किरकी चौकी होते हुए ढूंढिया की तरफ मोड़ दिया। मानसिचो द्वारा लगातार पीछा किया जाकर उसके समानांतर गाड़ी ले जाने के पश्चात उसको रुकने का पुनः आग्रह किया, लेकिन उक्त व्यक्ति ने जान से मारने की नियत से डंपर को जोरदार टक्कर हमारी गाड़ी को मारी, प्राइवेट वाहन को, जिसमें गाड़ी वाहन पलटी खाकर रोड से नीचे चला गया। जिस पर जाप्ते और मेरे द्वारा लगातार पीछा करने पर उस गाड़ी से कूद कर उसमें से डंपर चालक फरार हो गया। उसके पश्चात उस डंपर में मादक पदार्थ होने की पूरी संभावना होने पर स्थानीय व्यक्तियों को मौके पर मामूर किया गया और उक्त डंपर की तलाशी दी गई, तो उक्त डंपर में 59 प्लास्टिक कटों में 1140 किलो डोडा पोस्ट पाया गया, जो मार्केट कीमत तकरीबन 2.25 करोड़ रुपए है। उक्त वाहन को मैं जब सुधा डोडा पोस्ट को थाने पर लाए जाकर प्रकरण दर्ज किया गया है और उक्त प्रकरण का अनुसंधान फतेहनगर थाना अधिकारी श्री सुरेश चंद्र मीणा के द्वारा किया जा रहा है। श्री गंगानगर रा सूरतगढ़ रा पिपेरण गांव रे नेड़े एक ट्रक और बस माए भिड़ंत वेगी। इन हादसा माए 13 लोग घायल वे गया। घायला ना सूरतगढ़ रा ट्रोमा सेंटर माए भर्ती करवाए गयो है। बस माए बैठा यात्री बतायो कि बस पल्लू सू सूरतगढ़ आ रही ही, इन दुर्घटना माए 2 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। राजसमंद माए 15 साल री नाबालिग सू रेप रो मामलो सामे आयो है। पीड़िता रा पिता जुड़ोड़ा थाना माते पुलिस कानी सू पहला शिकायत दर्ज नी करबा और आरोपी री गिरफ्तारी नी करबारो आरोप मांडियो। आरोपी री गिरफ्तारी री मांग ने लेर पीड़िता रा पिता भाजपा पदाधिकारी और SP दफ्तर पुग्या और ASP ने लिखित माए शिकायत दी नी। के द्वारा ये कहा गया है कि मेडिकल बोर्ड से मेडिकल करवाया जाए, उसके लिए RK हॉस्पिटल में CMO साहब से रिक्वेस्ट करके मेडिकल बोर्ड से करवा रखे हैं। नामजद आरोपियों को पुलिस ने डिटेन कर लिया गया। 2 लोग हैं, दो का नाम FIR में जो नामजद है उनको पुलिस ने अपनी कस्टडी में ले लिया। कल सुबह से लेकर शाम तक तो उनकी FIR दर्ज नहीं हुई और अभी सुबह भी FIR दर्ज हुई है। वो रात को हो गई मगर उनको किसी को बताया नहीं आपकी FIR दर्ज हो गई है और FIR में अभी तक उन्होंने साइन नहीं लिया। फिर भी सुबह तक वो लोग अपने घर पे रहे, दुबकते रहे और लोगों का प्रेशर आता रहा समझाइश कर लो। ऐसी स्थिति में हमको मालूम चली, हम लोग गए उनको लेके आए और मेडिकल बोर्ड के द्वारा RK हॉस्पिटल में उनका मेडिकल हो रहा है। सिख रेजिमेंट रा ब्रिगेडियर कुलदीप सिंह गुलिया इन्फेंट्री दिवस जलसाना मनाबा खातर आज जयपुर आया। इन दौरान ब्रिगेडियर कुलदीप सिंह 1,10,000 कदम पैदल चलिया। हर बरस 27 अक्टूबर ने इन्फेंट्री दिवस मनायो जावे है। इरो इतिहास अक्टूबर 1947 रा शुरुआती स्वतंत्रता दिवस सु मिले है, जब जम्मू और कश्मीर की तत्कालीन रियासत की एक महत्वजोग घटना सामने आई ही। पहले इरादा 1,00,000 का था, अब ये 1,10,000 की यात्रा हो जाएगी। इसका उद्देश्य था कि 27 अक्टूबर 1947 को जब भारतीय इन्फेंट्री, जिसमें के 1st सिख रेजिमेंट और उनके पीछे पीछे 4 कुमाऊँ शामिल थे, ये लोग सबसे आगे सिख रेजिमेंट 27 अक्टूबर को श्रीनगर के हवाई अड्डे के ऊपर उतरी है। यकीन किया है कि हवाई अड्डा हमारे हाथ में रहे और वहाँ से वो सीधे बारामूला चले गए। उनके पीछे 3 नवंबर को कुमाऊं रेजिमेंट आई है, 4 कुमाऊं। अब जो सिख रेजिमेंट थी वो सीधी के सीधी वहाँ से बारामूला चली गई, जो तकरीबन 75 किलोमीटर दूर है और 75 किलोमीटर का जो यात्रा था वो उन्होंने एक दिन में तय किया। आज उनको याद करते हुए मैं उस यात्रा को 75 किलोमीटर से बदल कर 100 किलोमीटर की यात्रा कर रहा हूँ, जो कि 1,10,000 कदम की यात्रा है। 76 साल हो गए हैं उन बातों को और कल को मैं भी 75 साल का हो जाऊंगा। क्यों ना 75 की उम्र में 76 साल पुरानी बातें 1,10,000 कदमों से या 100 किलोमीटर पैदल चल के पूरी की जाए।
पर्यटन महकमा और जिला प्रशासन कानिसों जोधपुर माए मारवाड़ महोत्सव रो आयोजन करो जारी है। राजकीय उम्मेद स्टेडियम माए राख्या गया इन महोत्सव माए कलाकार कानिसों सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश कराया गया। इन दौरान लोक सांस्कृतिक झांकी बीएसएफ रो थार वारियर शो पतंगबाजी प्रदर्शनी जेड़ा कार्यक्रम हुआ। इन माए सू कई कार्यक्रम अशोक उद्यान माए रखा जा रहा है। उम्मीद स्टेडियम में जो हमारा कार्यक्रम है उसमें विभिन्न तरह की प्रतियोगिताएं सांस्कृतिक झांकी राजस्थान रंगीलो राजस्थान यशस्वी बैंड की फोक परफॉर्मेंस और विभिन्न प्रकार की फोक प्रस्तुतियां रहेगी। और इसके बाद में जो प्रतिस्पर्धाएं हैं उनके पारितोषिक वितरण शाम की कल्चरल इवनिंग अशोक उद्यान के अंदर किया जाएगा। अंदर पूरा उनको को ट्रेंड किया जाता है और इसको बॉर्डर ब्यूटी के अंदर कैसे कैसे इसको यूज किया जाता है और कैसे एक्टिव किया जाता है उसी एक्टिव को रखने के लिए यहाँ पर हम ट्रेनिंग का शो करते हैं। हम सब लोग मारवाड़ महोत्सव के लिए इकट्ठा हुए हैं। हमारे सभी ग्रुप वासियों ने यहाँ एक घूमर प्रस्तुत किया है और बहुत एंजॉय कर रहे हैं सब लोग। काफी मजा आया यहाँ पे और हमारे मारवाड़ की जो परंपरा है हमारा जो पहनावा है आप सब देख सकते हैं तो इसको हम बढ़ावा देते हुए यहाँ हम लोगों ने घूमर प्रस्तुत किया है। और अब आखिर में खास खास खबर एक कर फेरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में भारतीय मोबाइल कांग्रेस की सातवीं बैठक रो कर शुभारंभ। मध्य प्रदेश रा सतना में श्री सदगुरु सेवा संघ ट्रस्ट रा कार्यक्रम में करी शिरकत संता रोडी नो आशीर्वाद। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत करी पांच नवी गारंटियां की घोषणा। कहो राजस्थान में कांग्रेस फेरू सत्ता में आई तो लियावाला ओपीएस गारंटी कानून। भाजपा साध्यो सीएम री पांच नवी गारंटियां की घोषणा माते निशाणो। केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी ओपीएस रा नाम माते जनता ने गुमराह करवारो मांडियो आरोप। मतदान रे सारू मतदाताओं ने जागरूक करवा खातर प्रदेश भर में चलायो जा रही है अभियान। गंगापुर में उच्च स्तरीय बैठक तो उदयपुर में बनाएगी मानव श्रृंखला। और कोटा में आरपीएफ की बड़ी कार्रवाई। निजामुद्दीन मुंबई तेजस राजधानी एक्सप्रेस से 6,61,00,000 रो सोनू और 26,00,000 की नकदी बरामद। धौलपुर और लाडनू में भी नाकाबंदी के दौरान वाहना सू बरामद करेगी नकदी। इंड साथ ही सिंजा पांच बजे राजस्थानी खबर ठही पूरी हुई साथ देखता रहो डीडी राजस्थान। नमस्कार।